मित्रकांड, आज वास्तव में आपके सामर्थ्य से परिचय हो गया। बिना शस्त्र स्पर्श किए आपने पांचल के सैनिक को परास्त कर दिया। आप अद्भुत हैं। सामर्थ्य शस्त्र नहीं मांगता राजकुमार, अवसर मांगता है। आपने जो साहस किया उसके लिए आपको अभिनंदन। ये युद्ध साहस नहीं था मित्र। नहीं राजकुमार, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। राज्य की मर्यादाओं को तोड़कर सत्य के पक्ष में खड़े रहने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। आइए पधारिए। मेरा पुत्र अकेला है, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? जाइए, उसकी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। सीमा पार करने का आदेश नहीं है हमें। पर ये हमारी क्या सहायता करेंगे? हमें स्वयं आगे बढ़ना होगा। बढ़ो आगे, बढ़ो। रक्षा कीजिए महामहिम, हमारे सूतों का कोई आधार नहीं, एक मात्र आपको छोड़कर। मेरे पुत्र की सहायता कीजिए, बंदी सूतों की सहायता कीजिए। शांत हो जाओ राधा, चेतावनी दिए बिना मैं सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यही राष्ट्र धर्म है, बंदी सूतों को शीघ्र ही मुक्त कराया जाएगा। हस्तिनापुर की प्रजा के रक्षण का उत्तरदायित्व मेरा है। पितामा, यदि मित्र कांड ना होते तो सूतों की रक्षा हो ही नहीं पाती।
हस्तिनापुर के प्रत्येक जन की रक्षा होती, किंतु आपने बिना चेतावनी के सीमा का उल्लंघन करके राष्ट्र धर्म का अपमान किया है। और इस अपराध का न्याय राज्यसभा में होगा। प्रजा के प्राणों पर संकट हो उस समय राष्ट्र धर्म का विचार करना अधर्म है महामहिम भीष्म। मौन रहो। जो सत्ता के स्थान पर बैठता है उसे प्रति क्षण राष्ट्र धर्म का विचार करना पड़ता है, जिसमें धैर्य नहीं उसे सत्ता का अधिकार नहीं। आपके धैर्य का परिणाम यह भी हो सकता था कि इन सूतों की मृत्यु हो जाए। तुम्हारे और राजकुमार दुर्योधन के अविचारी कार्य का परिणाम यह भी तो हो सकता था कि कुरु और पांचाल जैसे दो बड़े राष्ट्रों के बीच युद्ध हो जाता। कुछ लोगों की मृत्यु के भय से समस्त समाज के लोगों की रक्षा का विचार त्यागा नहीं जा सकता। यही राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र धर्म बलिदान मांगता है। महामहिम, ऐसा क्यों है कि क्षत्रियों का राष्ट्र धर्म सदैव हम जैसी छोटी जातियों का ही बलिदान लेता है? क्योंकि ये प्रश्न पूछने का साहस आज से पूर्व किसी में नहीं था। कर वृषाली उचित कहती, आपसे पूर्व प्रश्न पूछने का साहस किसी में नहीं था और आपसे पश्चात उत्तर जानने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं होगा। सूतों को आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है। भ्राताश्री, मुझ पर माता की इच्छा का बंधन है शौक, किंतु माता की इच्छा समाज के हित में नहीं है। भ्राताश्री, आपका विवाह पूरे समाज के लिए बेड़िया बन जाएगा। भ्राताश्री, आप ही कहते हैं ना कि संघर्ष सदैव बलिदान मांगता है, तो आज आप अपने विवाह का बलिदान दे दीजिए। भ्राताश्री, मैं वृषाली का बलिदान नहीं दे सकता। शौन, वरदान के पश्चात यदि किसी कन्या का विवाह टूट जाए तो ये समाज उसे सम्मान पूर्वक जीने नहीं देता। शौन, कन्या का सम्मान मिट्टी के पात्र की भांति होता है। चूल्हे का ताप तो सहन कर लेता है किंतु ठोकर सहन नहीं कर पाता। अब ये बंधन नहीं टूट सकता। शौन, नहीं टूट सकता। असंभव, तुम
मेरे पुत्र से विवाह करने से मना कर रही हो? चली जाओ यहां से। तुम्हारा साहस कैसे हो विवाह से मना करने का? कर्ण से श्रेष्ठ तुम्हें समग्र सूत समाज में और कौन मिलेगा? कर्ण अद्वितीय है, दिव्य है वो। मैं जानती हूं माता, मैं कर्ण का तिरस्कार नहीं कर रही, अपने सद्भाग्य के द्वार बंद कर रही हूं, ये जानती हूं मैं। यदि जानती हो तो फिर इस निर्णय का क्या कारण है वृषाली? तुम जानती हो ना, तुम ही कर्ण का रक्षण हो। तुम नहीं जानती कि कर्ण क्या करने वाला था। यदि मैंने उस पर इस विवाह का बंधन ना डाला होता तो कर्ण पर क्या संकट आ जाता, तुम्हें ज्ञान नहीं है। किंतु माता, मैं कर्ण के लिए बंधन नहीं बन सकती, ये अपराध है। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं बन सकती मैं, ये पाप होगा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता। मैं तुम्हारी जीवन भर प्रतीक्षा करूंगी कर्ण। जाओ, लक्ष्य भेद करो। हस्तिनापुर की राजसभा में शब्दों से लक्ष्य भेद करने जा रहा हूं। क्षत्रियों के दोहरे सिद्धांत को प्रकट करना मेरा लक्ष्य है। राजकुमार, राज्य को चलाने के लिए नीति और सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है और उनसे परिचित होना राजपुत्रों का कर्तव्य है। किंतु पितामह, सूतों का दुख देखकर मैं विचलित हो गया था। कुछ सूतों का दुख देखकर आपके हृदय में दया उत्पन्न हो गई, ये जानकर संतुष्टि मिली मुझे। किंतु कुछ सूतों के लिए आप दो राष्ट्रों की प्रजा को युद्ध की अग्नि में नहीं झोंक सकते। आपके इस कार्य ने युद्ध का संकट उत्पन्न कर दिया, इसलिए आपको दंड प्राप्त होगा। महामहिम
किंतु राजकुमार दुर्योधन ने प्रजाजनों की रक्षा के लिए राजपुत्र के कर्तव्य का निर्वाह भी किया है महामहिम। तो इस बात के लिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा, किंतु ये समय न्याय करने का है। और महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप न्याय करें। किंतु ताचरी, दुर्योधन की शिक्षा दीक्षा अभी नहीं हुई है, उसको दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? दंड भी शिक्षा का एक भाग माना गया है। एक राजपुत्र को सामान्य अपराधी के समान राजसभा में खड़ा रहना पड़ रहा है, वो अपमान भी पर्याप्त दंड है ताचरी। मैं राजकुमार दुर्योधन को पुरस्कार के रूप में वरदान देता हूं। वो अपने जीवन काल में मुझसे एक बार जो भी वरदान मांगेंगे मैं उन्हें अवश्य दूंगा। महाराज, आप केवल वही दे सकते हैं जिस पर स्वयं आपका अधिकार है, वह नहीं जिस पर गुरुकुल का अधिकार है। मुझे मेरी मर्यादा का ज्ञान है ताचरी, इस पुरस्कार का तुम उचित उपयोग करोगे दुर्योधन, ऐसी आशा करता हूं। महाराज की जय हो। मैं भी अपना पुरस्कार प्राप्त करने आया हूं महाराज। राजकुमार दुर्योधन और मैंने ये कार्य साथ में किया था, यदि वे पुरस्कार के अधिकारी हैं तो स्पष्ट मुझे भी पुरस्कार का अधिकार है। कौन हो तुम? पिताश्री, ये सूत पुत्र कर्ण है। इन्होंने भी सूतों के रक्षा हेतु अपनी शौर्य का प्रदर्शन किया था। इनमें अद्भुत सामर्थ्य है पिताश्री। यदि ऐसा है तो तुम भी पुरस्कार के अधिकारी होकर महाराज, जिसे युद्ध करने का अधिकार नहीं वो दूसरों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? रक्षा करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है, सूतों को रक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए कर्ण को पुरस्कार देने का प्रश्न ही नहीं। यदि पुरस्कार नहीं तो दंड दीजिए महामंत्री। मैंने भी राजकुमार दुर्योधन की ही भांति बिना आज्ञा लिए पांचाल की सीमा का उल्लंघन किया है। यदि उन्हें दंड मिल रहा है तो उसका भागी मैं भी। क्या उस समय तुम्हारे हाथ में शस्त्र था? मेरे तो हाथ ही शस्त्र हैं। राज सेवक अथवा राज पुत्र को राजनीति की मर्यादाएं होती हैं। यदि कोई सामान्य प्रजाजन
किसी दूसरी सीमा में प्रवेश करता है तो उसे घुसपैठ कहा जाता है, उल्लंघन नहीं। पांचाल अवश्य तुमको दंड देगा, हस्तिनापुर के लिए यह अपराध नहीं। मैं जानता था महामहिम कि इस सभा में ना मुझे पुरस्कार प्राप्त होगा और ना ही दंड। मेरे प्रत्येक कार्य को नियम, सिद्धांत और नीतियों के मायाजाल में लुप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यदि आप मुझे दंड या पुरस्कार देंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि मुझ में सामर्थ्य भी है और युद्ध करने का अधिकार भी। और दोनों ही मेरे अधिकारों की सीमा निश्चित करेंगे। मैं योद्धा बन जाऊंगा और क्षत्रियों की राजनीति ऐसी भयानक भूल कभी नहीं कर सकती। तुम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। क्षमा कीजिएगा, मर्यादाओं का उल्लंघन वे करते हैं जो मर्यादाओं को मान्य करते हैं। मैं तो आपकी मर्यादाओं को मान्य ही नहीं करता महामहिम। मर्यादाओं का आधार समाज की व्यवस्था पर होता है, तुम्हारी मान्यता पर नहीं। वही व्यवस्था अवश्य भंग होगी शीघ्र ही। वसंत पंचमी के दिन हस्तिनापुर के सर सेनापति और कुरुवंश के श्रेष्ठ योद्धा एक सूत पुत्र के रथ में खड़े नहीं रह पाएंगे।